गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे वी स्टार्ट विद क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 3 नाजीज्म एंड राइज ऑफ हिटलर. एंड दिस इज आवर 7th लेक्चर एंड आवर फर्स्ट टॉपिक इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी. So let's see how the democracy was destroyed in Germany. So on 30 January 1933, President Hindenburg offered the chancellorship, the highest position in the cabinet of ministers, to Hitler. Okay, by now the Nazi had managed to rally the conservatives to their causes. So basically, class, in the year 1933, President Hindenburg offered chancellorship to Hitler, and this was the highest position in cabinet of ministers. And by now the Nazi had managed to rally the conservatives to their causes. So this was the start of a rally which was led by the conservatives to fulfill what were caused in the past. So having acquired power, Hitler set out to dismantle the structure of democratic rule. So after becoming the head of the country, or after becoming the chancellorship, he wanted to dismantle the democratic or the parliamentary constitution which was made in Britain in Germany under the Weimar Republic. So यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हिटलर है वो चाहते थे कि जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो था वाइमर रिपब्लिक के अंडर में, इसको ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहते थे. सो ही वॉज नॉट गेटिंग एनी चांसेस टू डिस्ट्रॉय द पार्लियामेंट्री डायरेक्टली, बट ए मिस्टीरियस फायर दैट ब्रोक आउट इन द जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग इन फेब्रुअरी फैसिलिटेटेड हिज मूव. सो एक अचानक से आग लगी जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग्स में, जिसकी वजह से जो भी मीटिंग्स थे या फिर जो भी लीडर्स थे या फिर जब कह सकते हैं आफ्टर द बर्निंग ऑफ द जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग, इनको एक मौका मिल गया अपने मूव को आगे करने का. सो द फर्स्ट डिक्री ऑफ 28 फरवरी 1933 आइडेंटिफाइड इनडेफिनेटली सस्पेंडेड सिविल राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड असेंबली दैट हैड बीन ग्रांटेड बाय द वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन. सो बेसिकली जैसे ही जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग में आग लगी, इसके बाद हिटलर को चांस मिल गया टू एम्पोज और टू सस्पेंड दोज राइट्स विच वर गिवन टू द पीपल अंडर द वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन. सो बेसिकली इनको मौका मिला और इन्होंने जो भी राइट्स दिए गए थे वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, फॉर एग्जाम्पल सस्पेंशन ऑफ सिविल राइट्स, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ असेंबली, ये जो राइट्स थे इनको जो है सस्पेंड कर दिया गया बाय हिटलर इन द ईयर 1933. देन ही टर्न्ड ऑन हिज आर्च एनेमीज द कम्युनिस्ट, मोस्ट ऑफ हुम वेयर हरिडली पैक्ड ऑफ टू द न्यूली एस्टैब्लिश कंसंट्रेशन कैंप्स. इसके बाद वो लोग जो कि वाइमर कच जो भी लोग नाजी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते थे एंड हु स्टूड अगेंस्ट द नाजी पार्टी वेयर टाइटली पैक्ड and they were sent to concentration camps. So basically the concentration camp, a camp where people were isolated and detained without due process law. Typically it was surrounded by electrified barbed wire fences. So ये एक camp था जिसमें लोगों को बिना किसी लीगल नोटिस के अरेस्ट किए गए और इनको जो है यहाँ पे आइसोलेट किया गया और कभी कभी इनको यहाँ से डिटेन भी कर दिया गया. मीन्स दे वेर डिपोर्टेड टू सम अदर कंट्रीज और दे वेर ऑफ्टन किल्ड. सो द रिप्रेशन ऑफ द कम्युनिस्ट वाज सीवियर. सो यहाँ पे कह सकते हैं जो बदला उन्होंने लिया ये बहुत ही ज्यादा सीवियर था और इन द अदर सोसाइटी ऑफ द कंट्री. आउट ऑफ द सर्वाइविंग 6,808 अरेस्ट फाइल्स ऑफ Dassel Fort, a small city of 500,000 population,
1440 वेयर दोस ऑफ कम्युनिस्ट अलोन। सो ये जो वार रिप्रेजेंट था या फिर जो रिप्रेजेंट ऑफ द कम्युनिस्ट था, इनमें लगभग जो डसलफोर्ड एरिया था इसमें इन्होंने लगभग 6808 लोगों को इन्होंने अरेस्ट किया, जिनमें से सिर्फ 1440 जो पीपल थे दे बिलोंग टू कम्युनिस्ट एंड दे वेर हाउएवर ओनली अमंग द 52 टाइप्स ऑफ विक्टिम प्रोसिक्यूटेड बाय द नाजीस अक्रॉस द कंट्रीज। सो यहाँ हम कह सकते हैं कि इनमें से जो कम्युनिस्ट थे ये बहुत ही ज़्यादा लोग थे और इनको जो है इन्होंने बहुत ही डिफरेंट तरीके से इनको जो है प्रोसिक्यूट किया गया एंड दे नाजी अक्रॉस द कंट्री मीन्स पूरे देश के बाहर या फिर उसके अंदर जितने भी लोग थे मोस्ट ऑफ द पीपल वर कम्युनिस्ट एंड इनको जो है बहुत ही बुरी सजा दी गई बाय द हिटलर। ऑन 3rd March 1933 द फेमस एनेबलिंग एक्ट वॉज पास, दिस एक्ट एस्टैब्लिश्ड डिक्टेटरशिप इन जनवरी। इसके बाद 3rd March 1933 में एक एक्ट पास हुआ जिसका नाम है एनेबलिंग एक्ट, और ये जब ये एनेबलिंग एक्ट पास हुआ था ताकि जर्मनी में डिक्टेटरशिप को इस्टाब्लिश किया जा सके। सो इट गेव हिटलर ऑल पावर्स टू साइड लाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री। एनेबलिंग एक्ट के साथ ही साथ हिटलर को सारे पावर्स मिल गए और इन्होंने जो भी पार्लियामेंट्री रूल थे इनको उन्होंने साइड में रख दिया, उनको दरकिनार कर दिया और वो अपने हिसाब से कंट्री को रूल करना शुरू कर दिए। सो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वेर बैंड एक्सेप्ट फॉर द नाजी पार्टी एंड इट्स एफिलिएट्स। अब कंट्री में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थे, जितने भी ट्रेड यूनियंस थे, इन सब पे बैन लगा दिया गया उन लोगों को छोड़ करके जो कि नाजी पार्टी के अंडर में थे या फिर नाजी पार्टी से उनका कुछ ना कुछ संबंध था या फिर एफिलिएट्स थे, या फिर हम कह सकते हैं वो लोग जो नाजी पार्टी को या फिर नाजी पार्टी को सपोर्ट करते थे, इनके बैन, इनके जो भी फॉरेन एक्सचेंज है या फिर पॉलिटिकल पार्टीज है या फिर ट्रेड यूनियंस है इनको बैन नहीं किया गया, लेकिन जितने भी लोग थे इनके सारे ट्रेड यूनियंस को और पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया गया। इसके बाद द स्टेट एस्टैब्लिश्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी मीडिया आर्मी एंड जुडिशरी। जैसे ही एनेबलिंग एक्ट पास हुआ सारे राइट्स हिटलर के पास चले गए और इसके साथ साथ हिटलर के पास सारे पावर्स आ गए इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी मीडिया आर्मी एंड ऑल्सो द जुडिशरी। सारा का सारा रूल किसके पास आ गया, हिटलर के पास। एंड हिटलर ने इन सबको रेगुलेट करने के लिए उन्होंने कुछ स्पेशल फोर्सेस भी रखे जिसमें स्पेशल सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वर क्रिएटेड टू कंट्रोल एंड ऑर्डर सोसाइटी इन वे दैट द नाजी वांटेड। इसके बाद इन्होंने बहुत सारे स्पेशल सर्विलेंसेस और सिक्योरिटी फोर्सेस रखे जिसके तहत नाजी जैसा चाहता था वैसे इस कंट्री को रूल किया जाए। अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलर पॉलिसीज इन ग्रीन यूनिफॉर्म एंड द एसए और द स्टॉर्म ट्रूप्स, दिस इंक्लूड्स द गेस्टापो, सीक्रेट स्टेट पुलिस एंड द एसएस, द प्रोटेक्शन स्क्वाड, क्रिमिनल पुलिस एंड द सिक्योरिटी सर्विस एस दी। इट वॉज द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ दिस न्यूली ऑर्गेनाइज फोर्सेज दैट हैव गिवन द नाजी स्टेट इट्स रेपुटेशन एज द मोस्ट ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं टू कंट्रोल द होल जर्मनी हिटलर ने बहुत सारे सीक्रेट फोर्सेस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस एंड पुलिस फोर्सेस बनाए जिसके तहत वो जैसा चाहता था उस तरह से कंट्री को यहाँ पे रन किया जाए एंड ये सारे के सारे जो है वो बाद में एक क्रिमिनल एक्टिविटीज में कन्वर्ट हो गए। पीपल कुड नाउ बी डिटेन्ड इन गेस्टापो टॉर्चर चैम्बर्स, राउंडेड अप एंड सेंट टू कंसंट्रेशन कैंप्स, डिपोर्टेड एट विल और अरेस्टेड विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर। द पुलिस फोर्सेस एक्वायर पावर्स टू रूल विद इम्पुनिटी। सो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जैसे ही ये सीक्रेट पुलिस यहाँ पे अपनाए गए यहाँ पे बहुत सारे लोगों पे अत्याचार होने लगे, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको जो है बिना किसी लीगल प्रोसीजर के अरेस्ट किया गया, उनको टॉर्चर चैम्बर्स में भेजे गए, इनको जो है कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजे गए और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको जो है विलफुली और अनविलफुली इनको जो है वो डिपोर्ट कर दिए गए इन अदर कंट्रीज। सो इसी तरह के बहुत सारे अत्याचार जो है यहाँ पे स्टार्ट होने लगे इन जर्मनी और यहाँ पे जो पुलिस फोर्सेस थे वो जो है नहीं चाहते थे कि यहाँ पे बहुत ही क्रूर या फिर बहुत ही सीवियर पनिशमेंट शेड्यूल जो है वो स्टार्ट हो जाए अंडर
लीडरशिप ऑफ हिटलर। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी है, इसमें हिटलर को पावर मिलने के बाद जितने भी लोग यहाँ पे रहते थे इन पे उन्होंने बहुत ज्यादा अत्याचार किया। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जर्मनी। सो क्लास लेट्स सी आवर नेक्स्ट टॉपिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जर्मनी। सो हिटलर असाइंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू द इकोनॉमिस्ट हिजाल्मर शाफ्ट हु एम्ड एट फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू ए स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। सो हम सब जानते हैं कि आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी जो है वो लॉस हो गए, जर्मनी के डिफीट के बाद यहाँ पे बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस थी और हम सब जानते हैं अबाउट 6 million पीपल वेर अनएम्प्लॉयड इन जर्मनी एंड दे वेर हेल्पलेस एंड यूथ्स वेर ऑफ्टन राउंडेड इन द स्ट्रीट्स एंड ऑफ्टन प्लेइंग प्ले कार्ड्स। सो वी नो दैट द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन जर्मनी। सो ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी इसको खत्म करने के लिए इन्होंने एक इकोनॉमिस्ट को हायर किया जिनका नाम था हिजाल्मर शाफ्ट और उन्होंने एक पॉलिसी बनाई। इस पॉलिसी के तहत उन्होंने कहा जितने भी गवर्नमेंट फंडेड इंडस्ट्रीज हैं या फिर वर्कशॉप्स हैं इसमें हम जो है बहुत ज़्यादा वर्क क्रिएशन प्रोग्राम करें जिसके वजह से यहाँ पे जो जॉब्स हैं वो बहुत ज़्यादा बनेंगे और इसके इससे ये होगा कि जो इकोनॉमी है देश की बहुत तेज होगी और जो पीपल जो है उनको जॉब्स मिलेंगी तो इसकी इकोनॉमिक स्टेटस भी अच्छी होगी। इसको देखते हुए दिस प्रोजेक्ट प्रोडक्टेड द फेमस जर्मन सुपर हाईवेस एंड द पीपल्स कार्स द वोल्क्सवैगन। तो यहाँ पे इस पॉलिसी के तहत इस पॉलिसी की देन है कि यहाँ पे जर्मन सुपर हाईवेस भी बनाए गए और इससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि जो एक कार है जिसको हम लोग पीपल्स कार कहते हैं द वोल्क्सवैगन, ये जो है जो अभी एक सपना है एक वर्किंग क्लास के लिए, ये सपना नहीं बल्कि हकीकत हो जाएगा इस पॉलिसीज को हमने अगर यहाँ पे फुल्ली अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया तो। इसके बाद इन फॉरेन पॉलिसी आल्सो हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेस। सो हम कह सकते हैं अंडर द इकोनॉमिक प्लानिंग मेड बाय हिजाल्मर शाफ्ट इसके तहत हिटलर को भी फॉरेन पॉलिसीज में बहुत तेजी से यहाँ पे सक्सेस मिला एंड ही पुल्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशन इन 1933। जैसे ही इनको फॉरेन पॉलिसीज में बहुत ज्यादा सक्सेस मिलने लगा इन्होंने जो फॉरेन यहाँ पे जो लीग ऑफ नेशन बनाई गई थी वहां से उन्होंने अपने आप को बायकॉट कर लिया। हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो है वो लीग ऑफ नेशन से अपना पलड़ा झाड़ लिया एंड इसके बाद जो एक इंडिपेंडेंट कंट्री थी इस समय ग्रीनलैंड जिसको आज हम करंट डे में ग्रीनलैंड के नाम से जानते हैं इसको इसने फिर से रीऑक्युपाई कर लिया एंड रीऑक्युपाइड इन 1936 एंड इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मनी इन 1938। आफ्टर कैप्चरिंग ग्रीनलैंड इसने जो ऑस्ट्रिया जो है ऑस्ट्रिया को भी इन्होंने जर्मनी में मिला लिया इन द ईयर 1938 अंडर द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। इन्होंने ग्रीनलैंड को कैप्चर किया एंड ऑस्ट्रिया को अंडर द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। इसके बाद ही देन वेंट ऑन टू रेस्ट जर्मन स्पीकिंग सदर्न लैंड फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया एंड गोबल्ड अप द एंटायर कंट्री। आफ्टर एनेक्सिंग दिस टू कंट्रीज ग्रीनलैंड एंड ऑस्ट्रिया इन्होंने जो बाकी जर्मन कंट्रीज थे इनको भी इन्होंने बहुत तेजी से वहां पे वो आगे बढ़ने लगे टू कैप्चर द रेस्ट जर्मन कंट्रीज। इसमें जो स्टडेंट लैंड है जो कि चेकोस्लोवाकिया में है वहां पे भी इन्होंने अपना कब्जा जमा लिया और इसको भी उन्होंने बहुत ही तेजी से इसको भी है पूरे जर्मनी में मिलाने की कोशिश करने लगे। सो इन ऑल ऑफ दिस ही हैड द अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड विच हैड कंसिडर्ड द वर्सलिस वर्डिक्ट टू हार्ड। जब ये सारी चीजें हो रही थी हिटलर की तरफ से तो इंग्लैंड जो है इसको अनस्पोकन सपोर्ट करने लगा और साथ ही साथ दिस क्विक सक्सेस एट होम एंड एब्रॉड सेम टू रिवर्स द डेस्टिनी ऑफ द कंट्री। ये जो सक्सेस था ये बहुत ही ज्यादा तेजी से होने लगा था एट होम एंड एब्रॉड। इसको देखते हुए
जो हिटलर की डेस्टिनी थी टू कंक्वर द होल यूरोप, इसको जो इन्होंने बहुत तेज कर दिया। सो हिटलर डिड नॉट स्टॉप हियर। साचेन हैड एडवाइज हिटलर अगेंस्ट इन्वेस्टिंग ह्यूजली इन रियरमेंट एज द स्टेट स्टिल रन आउट ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब ये जो है हिटलर के अब मन में आया कि हम जो है इन तीन कंट्रीज को कैप्चर करने के बाद उनके मन में आया कि पूरे यूरोप को हम कैप्चर कर ले, लेकिन जो हिजालमर साथ थे इन्होंने इनको आगाह किया था कि अभी भी जो फाइनेंशियल कंडीशन है जर्मनी की वो उस लायक नहीं है कि हम एक्स्ट्रा बर्डन या फिर ह्यूज मनी जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं इन वार्स, लेकिन उन्होंने नहीं माना। Caution people, however, had no place in Nazi Germany. So यहाँ पे हम कह सकते हैं those people who were not belonged to German or Nazi, उनको यहाँ पे रहने के लिए कोई जगह नहीं था according to the Hitler. But Sachsen had to leave. इसके बाद हिजालमर साथ ने क्या किया, इनको छोड़ करके चले गए and Hitler chose war as the way out of the approaching the economic crisis. इसके बाद हिटलर को एक ही चीज समझ में आ रही थी कि जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो रही थी जर्मनी में, इसको खत्म करने का एक ही तरीका है कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर करें। सो रिसोर्सेज वेर टू बी एक्यूमुलेटेड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी। उनका मानना था कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको हम तभी खत्म कर पाएंगे जब वॉर शुरू करेंगे, और जो वॉर से जो भी हम रिसोर्सेज लेंगे और अपने टेरिटरीज को एक्सपेंड करेंगे इससे बहुत ज्यादा इनकम होगा। एंड सेकेंडली इन सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। अब देखिए इन 1939 में जर्मनी ने पोलैंड में भी कब्जा कर लिया एंड दिस स्टार्टेड ए वार विद फ्रांस एंड इंग्लैंड। जैसे कि जर्मनी ने पोलैंड पे कब्जा किया तो दो देशों के बीच में जंग छिड़ गई फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। एंड इन सितंबर 1940 ए ट्रिपार्टाइट पैक्ट वाज साइंड बिटवीन जर्मनी इटली एंड जापान। फिर इसके बाद 1940 में एक पैक्ट साइन हुआ जिसका नाम है ट्रिपार्टाइट पैक्ट, और इस पैक्ट में तीन कंट्रीज ने साइन किया था, जर्मनी इटली एंड जापान, और ये जो कंट्रीज थे वो हिटलर के पावर को स्ट्रेंथन कर रहे थे या फिर हिटलर को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे थे टू मेक हिटलर एज ए इंटरनेशनल पावर। सो पपेट रेजिम सपोर्टिव ऑफ नाजी जर्मनी वर इंस्टॉल्ड इन द लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप। बाय द एंड ऑफ 1940 हिटलर वाज द पिनकल ऑफ हिज पावर। सो कह सकते हैं कि 19 जैसे ही इन्होंने सपोर्ट ये पैक्ट साइन किया तो दे वर सपोर्टिंग द हिटलर एंड बहुत सारे यूरोप में इन एवरी पार्ट पपेट रेजिम्स मीन एक ऐसा रीजन बनाया गया जो कि हिटलर के निर्देशों पे काम करते थे। और इसी के साथ साथ 1940 में हिटलर जो है वो एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गया जो कि इस समय का सबसे उचित पॉइंट था, हम सब कह सकते हैं मोस्ट सक्सेसफुल पॉइंट मीन्स पिनकल ऑफ हिज पावर मीन्स वो अपने सक्सेस के सबसे ऊंचे पायदान पे था। इसके बाद हिटलर नाउ मूव टू अचीव हिज लॉन्ग टर्म एम ऑफ कॉन्क्वेरिंग ईस्टर्न यूरोप। अब हिटलर का जो मंशा था कि पूरे यूरोप पे उसका कब्जा हो, तो उसने जो है ईस्टर्न यूरोप में अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। He wanted to ensure food supplies and living space for German. वो इससे चाहता था कि जैसे ही टेरिटरी बढ़ेगी तो वहां के लोग जो है उनको फूड मिलेगा और साथ ही साथ उनको रहने के लिए और भी जगह मिलेगी। सो ही अटैक्ड द सोवियत यूनियन इन जून 1941। सो इसके एवज में हिटलर ने सोवियत यूनियन पे अटैक कर दिया इन द ईयर 1941। इन दिस हिस्टोरिकल ब्लंडर हिटलर एक्सपोज्ड द जर्मन वेस्टर्न फ्रंट टू ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग एंड ईस्टर्न फ्रंट टू द पावरफुल सोवियत आर्मीज। अब देखिए इसको देखते हुए क्या हुआ, उन्होंने जैसे ही यहाँ पे उन्होंने अटैक किया, अटैक करने के बाद ये जो है हिटलर की सबसे ऐतिहासिक भूल थी, और इसी के साथ साथ इसने जो जर्मन जो है वेस्टर्न फ्रंट पे ब्रिटिश के एरियल बॉम्बिंग जब उन्होंने करना शुरू कर दिया तो सोवियत आर्मी ने इनका पलट वार किया। सो द सोवियत रेड आर्मी इन्फ्लेक्टेड ए क्रशिंग एंड ह्यूमिलेटिंग डिफीट ऑन जर्मनी एट स्टालिनग्राद। सो कह सकते हैं जो सोवियत आर्मी जो है उन्होंने एक क्रशिंग एंड ह्यूमिलेटिंग डिफीट जो है जर्मनी पे कर दिया था ऑन इन द प्लेस ऑफ स्टालिनग्राद
After this, the Soviet army hounded out of the retreating German soldiers until they reached the heart of Berlin. इसके बाद जो है हम कह सकते हैं जो सोवियत आर्मी जो है जो रेड आर्मी थी उन्होंने इनको खदेड़ करके कहां तक पहुंचा दिया, हर्ट ऑफ बर्लिन, एंड एस्टैब्लिश्ड सोवियत हार्मनी ओवर द एंटायर ईस्टर्न यूरोप फॉर हाफ ऑफ ए सेंचुरी देयर आफ्टर। सो जैसे ही इन्होंने जर्मन आर्मी को खदेड़ा तो वो जो है बर्लिन में लगभग 50 सालों तक उन्होंने यहाँ पे हार्मनी बनाए रखी। इसके बाद मीनवाइल द यूएसए है resisted involving in the war. So, इसी के बीच में हम कह सकते हैं यूएसए जो है वो नहीं चाहता था कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कूदे या फिर he want to become neutral. लेकिन it was unwilling to once again face all the economic problem that the first world war had caused. So, यूएसए नहीं चाहता था कि वो सारी चीजें फिर से हो जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुई थी, but After the bombing, but it could not stay out of the war for long. But USA जो है इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर से अपने आप को बहुत दिनों तक दूर नहीं रख पाया. When Japan was expanding its power in the east, it had occupied French, Indo, China and was planning attacks on US naval base in the पैसिफिक। अब यहाँ पे देखिए हम कह सकते हैं कि जो जापान है उसने अपने टेरिटरी को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया, जो ईस्टर्न पार्ट है उन्होंने जो ईस्टर्न पार्ट है इसमें स्पेशली फ्रेंच इंडो चाइना जो है उन्होंने प्लानिंग किया कि वो अटैक करेंगे कहाँ पे, US नेवल बेस इन द पैसिफिक ओशन। और इसी के साथ साथ इन्होंने व्हेन जापान वाज एक्सटेंडेड इस टेरिटरी टू हिटलर एंड बॉम्ब्ड द US बेस एट पार्ल हार्बर द USA एंटर्ड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब जैसे ही उन्होंने प्लानिंग किया कि जो US नेवल बेस था पैसिफिक ओशन में वहां पे वो बॉम्बिंग करेंगे, और इसी के साथ साथ उन्होंने बॉम्बिंग करना शुरू कर दिया एट US नेवल बेस एट पार्ल हार्बर, और इसके कारण जो है यूएसए जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी कूद पड़ा। एंड द वॉर एंडेड इन मई 1945 विद हिटलर डिफीट एंड द यूएसए ड्रॉपिंग ऑफ द एटम बॉम्ब ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी इन जापान। और जैसे ही ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ यूएसए ने जापान के दो मुख्य शहरों पे हिरोशिमा और नागासाकी पे इन्होंने बम फेंक दिया, और इस तरह से कह सकते हैं जापान और हिटलर जो है वो बुरी तरह से हार गए। और जैसे ही हिटलर हारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहीं पे खत्म हो गया। सो क्लास दिस वाज द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जर्मनी मेड बाय हिटलर, एंड फ्रॉम दिस ब्रीफ अकाउंट